मोहसिन, अगर आपने मैट्रिक कर लिया है, अगर आपने डिप्लोमा DAE किसी भी कॉलेज से कर चुके हैं आप इलेक्ट्रिकल में, तो आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स करवा सकते हैं सिविल बनने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पूरा प्रोसेस 3 स्टेप पर है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक और इसके डिप्लोमे के DAE और मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने सबसे पहले वो उनके रेलिवेंट बोर्ड से जाके अटैच करवा लेंगे। मैट्रिक का मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से जाकर आप अटैच करवा लेंगे, डिप्लोमे का DAE का टेक्निकल बोर्ड ऑफिस से जाकर आप अटैच करवा लेंगे। जब ये दोनों अटैच करवा लेंगे, दोनों डॉक्यूमेंट्स लेकर आप पहुँचे MMD कराची केवाड़ी में, KPD के लेफ्ट साइड पर, वहाँ आप पहुँचे MMD ऑफिस, वहाँ जाकर आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बताने, और बताने के भी इलेक्ट्रीशियन, और इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन पे मैंने SSB बनानी है। जब आपकी प्रोसेस, आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ आपने सबमिट करवाने हैं, कुछ फीस अगर होगी तो वो फीस सबमिट करवानी है MMD फर्स्ट फ्लोर पर। वहाँ पे आपका जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, आपको वो टाइम देंगे कि इस तारीख को आपका पहला टेस्ट होता है आंखों का टेस्ट, आपकी नज़र टेस्ट करनी। आई टेस्ट आपका सबसे पहले होगा। आई टेस्ट आप जब देंगे, जिस दिन आपको बुलाएंगे उस दिन आप आई टेस्ट के लिए जाएँ, आई टेस्ट कम्प्लीट करें, मेरी वीडियो मौजूद है आई टेस्ट किया किस तरह होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा आप देखें। आई टेस्ट कम्प्लीट होने के बाद जब अगर आपका आई टेस्ट पास हो जाता है, उसी वक्त वो बता देते हैं नॉर्मली, फिर आपको टेस्ट की डेट देते हैं प्रोफेशनल, आपका जब टेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, किस किस की तैयारी करनी है, ये मेरी वीडियोज भी मौजूद है इस पर, और मेरी वेबसाइट पर पूरे सिलेबस के भी, कौन कौन से क्वेश्चन उसके जवाब सब कुछ के भी, आप वहाँ से देख के भी तैयारी कर सकते हैं। आपने उसकी तैयारी करनी है, तैयारी करने के बाद जिस तारीख को आपको बुलाया है आप उस तारीख को पहुँचे MMD, वहाँ से 1-to-1 आपसे सवाल जवाब होते हैं इलेक्ट्रिकल के। अगर आपने कंप्लीट कर दिए और वो टेस्ट पास कर लिया, तो आपको 2-3 दिन के बाद एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दे देते हैं, COC जिसको कहते हैं। वो सर्टिफिकेट ये बताते हैं कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरिन डिपार्टमेंट में कहा कि आप इलेक्ट्रिशियन के लिए शिफ्ट में काम कर सकते हैं, आप अवेल ये इसके लिए काम कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपका पहला प्रोसेस खत्म होगा। सेकंड प्रोसेस आपका क्या होगा, सेकंड प्रोसेस आपका होगा कि कराची टावर में मौजूद KDL बिल्डिंग है, वहाँ पर आप पहुँचें अपने ये COC लेकर और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। आप KDL बिल्डिंग में पहुँचे, KDL बिल्डिंग से फर्स्ट फ्लोर से आपने न्यू SSB के लिए एप्लीकेशन ले ली, वो फॉर्म फिल करके आपने सबमिट करवा दें। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सब मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स सब चीज़ें लेकर आप जो जो रिक्वायरमेंट है आप वो सब चीज़ें लेकर वहाँ पर सबमिट करवा देंगे। सबमिट करवाने के बाद वहाँ पर वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की। जब सारी वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट हो जाएगी, तो वो कुछ दिन का टाइम देंगे, एक हफ्ता 10-15 दिन का टाइम देंगे। 10-15 दिन के बाद आपने वहाँ पहुँचने और वहाँ पर आपके फॉर्म के ऊपर सब साइन हुए होंगे, अप्रूव हुआ होगा आपका, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं है तो वो अप्रूव एप्लीकेशन लेकर आपने शिपिंग ऑफिस चले जाना है। यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस आपका ख़त्म हो गया। थर्ड प्रोसेस है शिपिंग ऑफिस में। ये प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा लंबा भी है। यहाँ पर आप शिपिंग ऑफिस में जब पहुँचेंगे, तो वो आपसे कहेंगे ठीक है ये डॉक्यूमेंट्स आपके कम्प्लीट है, आप एफिडेविट बनवा के लाएँ, आप सीमेन ID कार्ड बनवा के। अब आपका काम शुरू होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन शिपिंग का पोर्टल है शिपिंग ऑफिस का, उस पोर्टल पे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उस पोर्टल पे जाएं। पोर्टल पे किस तरह से अपनी प्रोफाइल बना के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ये मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इस पर पूरा प्रोसेस सिखा चुका हूँ। आप वहाँ से जाके सीखें, अपना पोर्टल बनाएं, रजिस्टर करें अपने आप को और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, नई SSB के लिए अप्लाई करें और नया SID कार्ड के लिए अप्लाई करें। इन दोनों के लिए आपने अप्लाई कर देना है। दोनों का चलान फॉर्म पोर्टल से ही डाउनलोड होगा, आप वो दोनों फॉर्म जमा करें। ये न्यू SSB की फ़ीस है 2022 में 4,400 और सीमेन आईडी कार्ड की फ़ीस 100 रुपये, ये टोटल 4,500 रुपये आपने दोनों चलान भर के आने हैं स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक में जब आप भर के आएंगे, तो आपने वो भरे हुए चलान को फिर अपलोड करना है स्कैन करके पोर्टल पर और वहाँ से फाइनलाइज करके एक SID की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जब आप फाइनलाइज कर देंगे चालान वगैरह सब कुछ डाउन अपलोड करके पे करके, तो आपको एक एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, वो एप्लीकेशन लेकर और एक एफिडेविट बनवा कर, एफिडेविट आपको केवाड़ी से बन जाएगा, वहाँ पर वकील बैठे होते हैं एडवोकेट, वहाँ से एफिडेविट बनवा कर
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर चले जाएंगे शिपिंग ऑफिस कि मैंने पोर्टल बना लिए, अब मैं आगे क्या करूँ, एफिडेविट में ले आया हूँ, अब आगे क्या करूँ। तो वो आपको एक मेडिकल फॉर्म बना के देंगे और कहेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल से मेडिकल करवा गया, तो आपने मेरिन हॉस्पिटल से करवानी है, केपीटी सामने शिपिंग ऑफिस के बिल्कुल उल्टे हाथ में केपीटी हॉस्पिटल है, वहाँ वो फॉर्म लेके चले जाएँ, वहाँ से आपका मेडिकल हो जाएगा, उसी वक्त कर देंगे, कोई मसला नहीं होगा। मेडिकल करने के बाद आप वो फॉर्म स्कैन करके एक कॉपी ले लें, तस्वीर ले लें, और वो ओरिजिनल मेडिकल फॉर्म आपका वहाँ जाके सबमिट हो जाएगा। वो सबमिट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट शिपिंग ऑफिस में कंप्लीट हो जाएंगे। अब वो कहेंगे कि आप सिर्फ SID कार्ड बनाएं, उसकी फोटोकॉपी हमें जमा करवा दें, आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। SID कार्ड के लिए आपको एक दिन या दो दिन इंतज़ार करना है। दो दिन इंतज़ार करने के बाद आपके नंबर पर मैसेज आएगा नादरा वालों को, किसी भी अननोन नंबर से आएगा कि आप नादरा के ऑफिस पहुँच जाएँ। आप नादरा के उस ऑफिस पहुँचे, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के पास है नादरा का ऑफिस, उसकी वीडियो भी आपको बता देता हूँ, रास्ता आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। तो आप उस ऑफिस चले जाएँ, वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने और 1000 रुपये उसकी फ़ीस देंगे SID की। जब आप वो फीस पे करेंगे, आपको हाथों हाथ दूसरा वेरीफिकेशन करेगा, अपना नाम वगैरह हर चीज़ चेक कर लो, हर चीज़ चेक करने के बाद आपकी तस्वीर बनाएगा और उसी वक्त आपको एक सीमेन कार्ड बना के दे देगा। वो आपको नादरा की तरफ से शनाख्ती कार्ड की तरह छोटा सीमेन कार्ड मिल जाएगा, वो आपका दूसरा SID होगा, दूसरा शनाख्ती कार्ड होगा, वो आप लेकर उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के आप शिपिंग ऑफिस में एक फ़ोटो कॉपी जमा करवा दें, आपके SSP के लिए प्रोसेस कम्प्लीट हो गया। यहाँ से आपको SID मिल गया, वहाँ से आपको SSP 15 दिन के बाद SSP आपकी आ जाएगी। आप खुद चक्कर लगाते रहें और वहाँ से पता करते रहें कि मेरी SSP आई या नहीं आई। जब आपकी SSP आ जाएगी, आपके वहाँ थम लेंगे और फिर एक हफ्ते का मजीद टाइम देंगे। एक हफ्ते बाद जब आप जाएंगे साइन करके, आप अपनी SSP रिसीव कर सकते हैं। आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी, आपकी SSP आ जाएगी इलेक्ट्रिशियन की, आपका SID कार्ड आ जाएगा इलेक्ट्रिशियन। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं शिफ्ट में काम करने के लिए। तो इलेक्ट्रिशियन के जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो डिप्लोमे की बेस पर आप शिप में काम कर सकते हैं और मर्चेंट नेवी में काम कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है किस तरह से आप DAE के बाद ये सब काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस। अगर इसमें कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट में लाजमी लिखें। अल्लाह हाफिज़।